पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अध्ययन के दृष्टि से व्याकरण के कितने भाग होते हैं? उत्तर, अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण के 5 भाग होते हैं। 1 में वर्ण विचार, 2 में शब्द विचार, 3 में वाक्य विचार, 4 में छंद विचार, 5 में चिन्ह विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? उत्तर, व्याकरण वो व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्ण के परिभाषा, भेद, संख्या, उच्चारण स्थान आदि का प्राप्त करते हैं, वर्ण विचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क जोड़ अ क। प्रश्न नंबर 5, वर्ण के कितने भेद होते हैं? उत्तर, वर्ण के 2 भेद होते हैं, 1 में स्वर वर्ण, 2 में व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण हिंदी में 11 होते हैं, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षु दीर्घव री ए ऐ ओ औ।